गुड इवनिंग, मैं हूं जमील फारूकी। पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाजों पर चैलेंजर्स दरपेश हैं। अंदरूनी महाज आप सबके सामने है। किस अंदाज से डॉलर अपनी कदर बढ़ा रहा है, रुपया अपनी कदर खो रहा है और मुल्क का जो मुआशी अमन है वो अदम इस्तेहकाम की जानब गामजन है। हम मुख्तलिफ अंदाज से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जुबू हाली का शिकार है। ये अंदरूनी महाज है जिस पर गवर्नमेंट और रियासत दोनों बरसरे पेकार हैं, जबकि जो बैरूनी महाज है उसको हम कतई नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं। बैरूनी में दुश्मन की चालों ने मुख्तलिफ तरफ से घेर कर रखा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान का मामला है, गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, आजाद कश्मीर का मामला है, मकबूजा कश्मीर का मामला है और इन सारे मामलात के ऊपर अफगानिस्तान, ईरान, अमरीका और भारत, इनकी सफबंदी एक है। भारत की जानब से हमेशा हकधर्मी का मुजाहरा किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मुतालिक हमेशा अपने मीडिया के ऊपर एक प्रचार किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी गिरफ्त को मजबूत रखने के लिए बार बार कहा जाता है कि ये इलाके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होने चाहिए। इंडिया देता है कि जिस तरह खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था तो ये इलाके भी किसी वक्त पाकिस्तान से खुदा ना खास्ता अलहदा हो जाएंगे। ये उनका फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर टूल है जिसको बार बार वो इस्तेमाल करते हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रूथ एक और टूल है जहां झूठ को सच का गुमान करते हुए इस तरह दिखाया जाता है कि झूठ झूठ नहीं है, यह सच दिखाई देता है। गुज़िश्ता 4 से 5 हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान, जो कि सॉफ्ट टारगेट है भारत का और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का, उसमें देखा जा सकता है कि मुसलसल वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं। एक निजी 5 स्टार होटल के अंदर जो अटैक हुआ वो भी उसी का शाखसाना दिखाई देता है। और इसके साथ साथ खत्ते में ताकत की जंग की बात की जाए या खत्ते के अंदर जुग्राफियाई बालादस्ती की बात की जाए तो दो बड़े ममालिक हैं जिनके दरमियान लड़ाई हमेशा से देखने को मिली है। क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक तरफ चाइना यानी बीजिंग की कोशिश है कि यहां पर मुआशी बालादस्ती के साथ साथ जोग्राफिकल जो उनका स्टांस है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने आप को बालादस्त रखा जाए। उधर से अमरीका की कोशिश है कि इस इलाके में हमारे पास जिस तरह की मजबूत प्लेन्स हैं, डीओसीआई प्लेन्स, उन पर कब्जा किया जाए और किसी अंदाज से यहां पर अपने आप को बालादस्त रखा जाए। ऐसे में भारत वो वाहिद मुल्क है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी चाइना, जिसके साथ हम सीपैक पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं या बना रहे हैं या तकरीबन तकमील के आखिरी मराहल में है, उसमें वो रखना डाले, उसको इस अंदाज से अदम इस्तेहकाम की जानब लेके जाए कि चाइना पाकिस्तान से अपना मुंह पीछे कर ले। अब जिस अंदाज से बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं वो कोई ढकी छुकी बात नहीं है। एक तरफ तो भारत की जानब से कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर कोई दरअंदाजी नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई में भारत मुलव्वस नहीं है। दूसरी जानब भारत के अपने मीडिया के अंदर बैठे हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लोग मिशन बलूचिस्तान के नाम से रिपोर्ट चलाते हैं। जी हां, मिशन बलूचिस्तान के नाम से बार बार रिपोर्ट चलाई जाती हैं, दिखाया जाता है कि कौन सी वो टॉप 5 पर्सनैलिटीज हैं जो खुदा ना खास्ता मिशन बलूचिस्तान के ऊपर डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। ये जो मैं आपको खौफनाक किस्म का एक डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूं, एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं भारतीय टेलीविजन की, ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का टूल भी है और ऑल्टरनेटिव ट्रुथ की एक मिसाल भी है। जरा मुलाहजा कीजिए इसमें भारत करना क्या चाह रहा है। बलूचिस्तान पर पीएम मोदी के 72 सेकंड का राज। क्या आपको पता है 15 अगस्त पर बलूचिस्तान पर 72 सेकंड का भाषण किस तरह और कितने दिनों में तैयार हुआ, किसने तैयार किया बलूचिस्तान का ब्लूप्रिंट? किरदार नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। किरदार नंबर 2, जितेंद्र सिंह,
पीएमओ में मंत्री। इस तिरंगा यात्रा का सही समापन उस दिन होगा, उस रोज होगा, जब ये तिरंगा हम कोटली, मुजफ्फराबाद और पाक अधिकृत हिस्से में जम्मू कश्मीर के लहराने में सफल होंगे। किरदार नंबर 3, अजीत डोवल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. Kirdar number 4, Rajnath Singh, Grih Mantri. अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। किरदार नंबर 5, मनोहर पर्रिकर, रक्षा मंत्री। हमारे जवानों ने 5 लोगों को वापस भेज दिया। ये मोदी जी और मोदी जी की कैबिनेट के लोग हैं जो बार-बार मुसलसल अपने टेलीविजन पर बैठकर पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। जरा मोदी साहब या उनकी कैबिनेट के लोग अपने इलाकों में जाकर देखें कि उनके लोग किस अंदाज से हक मांगना चाह रहे हैं और उनके साथ कितना जुल्म बर्पा किया जा रहा है। खालिस्तान के अंदर क्या हो रहा है सबको मालूम है। इसके साथ साथ अगर बात बलूचिस्तान की जाए तो किसी भी रियासत के अंदर माजद के साथ किसी भी रियासत के अंदर कोई भी ऐसा मामला होता है तो उसमें सिर्फ रियासती अनासर नहीं, गैर रियासती अनासर यानी नॉन स्टेट एक्टर्स को किसी भी रियासत के खिलाफ खड़ा कर देना भी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक टूल ही तस्वर किया जाता है। बदकिस्मती के साथ बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत सारे अनासर हैं जिन्हें माजी में इस्तेमाल किया जाता रहा, मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल करने की साजिश की जा रही है और हाल में भी यह हो रहा है। सेम इज द केस विद आजाद कश्मीर, सेम इज द केस विद गिलगित बल्तिस्तान। ये रिपोर्ट है मुलायजा की। वी होप दैट विल रेज दिस इशू इन कमिंग सितंबर इन यूएन सेशन एंड वी आर विद यू And we people of Balochistan and Baltistan and Pakistani occupied Kashmir, we all thank you. Kya Pakistan China ka hamsaya hai? Tumhare bagair? Nahi. Tumhare bagair hai? Nahi. Pakistan China ka hamsaya nahi hai. Pakistan China ka hamsaya hamari wajah se hai. पाकिस्तान के 18 लाख आवाम की वजह से है, उस खत्ते की वजह से है। इस 28,000 मुरक्का किलोमीटर का इलाका, ये 28,000 मुरक्का किलोमीटर का इलाका, ये हमारी आबा और अजदाद की मलकियत है। पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। जो वहां पाकिस्तान की फौज उनके अधिकारों का हनन कर रही है और वहां बोलने की किसी को आजादी नहीं है, वहां कोई प्रोटेस्ट करने की किसी को आजादी नहीं, अपनी बात कहने की आजादी नहीं है और वहां फौज गोली चलाती है। वो जबरिया पाकिस्तान उसको कब्जा किए हुए है और बहुत रिप्रेशन और बहुत वहां अन्यायार्जुन करके पाकिस्तान की फौज जो है वो उसको साथ रखे हुए हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन उसको रख नहीं पाएंगे। जैसा बांग्लादेश का हुआ है उसी तरह बलूचिस्तान का होगा। उनके साथ जो अत्याचार होता है, जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी जाती है, उसके विरुद्ध जनता खड़ी हो रही। बात अन्याय की है, बात जुल्म की है, तो बात खालिस्तान की भी है। खालिस्तान में जाइए, वहां पर जाकर देखिए किस अंदाज से सिख बरादरी के साथ जुल्म हो रहा है, किस अंदाज से उनको जीने मरने पर मजबूर किया जा रहा है और साथ साथ वहां पर यह भी देखिए कि किस अंदाज से मुसलमानों ने घीटोस बना रखे हैं, बेचारे बाहर निकलने पर मजबूर हैं
और अपने एक खास इलाके तक महदूद होकर रह गए हैं। उन्हें न पीने की सहूलियात है, न खाने की सहूलियात है, न दीगर उनके मसाइल हल होते हैं और बार बार इन तमाम मुजालिम का शिकार वो वहां पर हो रहे हैं। भारतीय मंत्रियों को पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानियों का दर्द महसूस होता है, लेकिन अपने भारत के अंदर जो मजालिम वो अपने लोगों पर कर रहे हैं वो उनको महसूस नहीं होते। इससे बड़ा झूठ क्या होगा। और जब बार बार झूठ बोला जाता है, जहां शिकस्त को जीत का दर्जा देकर खुशियां मनाई जाती हैं, तो ये भी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का टूल यानी अल्टरनेटिव ट्रुथ समझा जाता है। किस तरह से अभिनंदन पाकिस्तान में जलील और ख्वार हुआ, किस अंदाज से हमारी मट्टी से उसे भारत की मट्टी पर भेजा गया और उसके बाद जिस अंदाज से वहां पर वो सेल्फियां लेते रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा मुलाहजा कीजिएगा। एयरफोर्स की ओके अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इतने फोटो आपके साथ क्यों खिंचा है। ठीक है, ये सारे फोटोग्राफ्स आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लिए। ठीक है, मैं उनसे खुद से नहीं मिल पाया। ठीक है, लेकिन मेरी जो उनके लिए है। ठीक है, तो जब आप उनको ये फोटोज आप दिखाओगे, ठीक है, उनको प्लीज बोलिए कि मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बहुत लोगों की दुआएं थी मेरे ठीक होने के लिए। ठीक है, और उनमें से आपके परिवार वाले भी थे, तो ये सारे फोटोग्राफ्स आपके परिवार के लिए आपके लिए। मगर सारी दुनिया जानती है कि झूठ झूठ है, सच सच है। अगर अमेरिका अपने सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान में F-16 की तादाद को गिनकर ये इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी कर सकता है कि पाकिस्तान के तमाम तैयारे सलामत हैं और पाकिस्तान के पास जितनी तादाद थी उतनी ही तादाद है, और उसके बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहिबा ट्वीट भी कर देती हैं, एक बयान भी जारी करती हैं कि हमने जो कुछ बताया था बालाकोट के हवाले से वो गलत था, तो मतलब बाद में आपने वो सच मानकर अपनी सुबकी तो करवानी ही है, तो उस वक्त क्यों नहीं मानते जब हैपनिंग्स हो रही होती हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात हो रहे हैं क्या ये भी भारत के इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर टूल का हिस्सा है। आज का प्रोग्राम इसी मुनासबत से है। टेबल टॉक में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब एक्सप्रेस न्यूज़ पर तकरार करते हैं और आप अक्सर उनको सियासतदानों के साथ तकरार करते हुए देखते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है क्या, और क्या ये भी बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के हवाले से खुदा नफास्ता भारत के टास्क का बुनियादी टूल है या ये सिर्फ हमारी खाम ख्याली है। देखिए, इसका सबसे कामयाब इस्तेमाल जो किया वो अमेरिका ने शुरू किया था जी। अफगानिस्तान में जब उन्होंने अटैक करना था तो उन्होंने साबित कि किस तरीके से मुसलमान या तालिबान दुनिया के लिए एक खतरा है। फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और दुनिया को इस बात पे कायल किया कि इराक जो है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और मास डिस्ट्रक्शन के बहुत बड़े बड़े वेपन उनके पास हैं। ठीक, एक्चुअली ये दूसरी जंग अजीम के बाद इसका आगाज हुआ था, लेकिन ये बड़ी स्लोली और बड़ी आहिस्ता 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 इसने तरक्की पाई है। लेकिन इस वक्त जहां पे भी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जंग का सबसे खतरनाक हथियार है जी, फिफ्थ जनरेशन वॉर। और इंडिया, हमें ये कहना पड़ेगा कि वो हो सकता है लड़ाई में हमसे कमजोर हो सकता है, उसको मार पड़ी है अभी थोड़े दिन पहले, उसको मार पड़ी है, उसके दो तैयारे गिर गए हैं जी, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर खुद गिरा दिया है, उनका पायलट यहां पे चपेटे खा के आम लोगों से गया वापस, तो इस किस्म की सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ा। अभी उन्होंने खुद कहा कि सीज फायर आप कर दें, उसकी वजह यह है कि जो फरवरी में उनका नुकसान हुआ था वो हमारे तखमीने से ज्यादा था, और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके बंकर्स के अंदर बहुत सारे फौजी मारे गए थे जब यहां से गोलाबारी की गई थी, तो अटलरी फायर उन्होंने कहा कि उसको आप बंद कर दें। ठीक, हो सकता है कि वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक वहां लड़ाई में हमसे मार खाता रहे, लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉर में वो हमसे आ गए, वो एक परसेप्शन की वॉर लड़ता है, उसमें वो हमसे आगे। आप देखें, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, मैं और आप अपनी जुबान में बात कर रहे हैं, हम किसी और की जुबान में बात नहीं। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। ये जुबान हमारी टेरिटरी के अंदर बंद है, या इंडिया वाले इसको समझते हैं या थोड़ा बहुत और दुनिया में कहीं जहां पर इंडियन या पाकिस्तानी रहते हैं वो समझते हैं, और कोई नहीं समझता। इंडियन ने क्या किया, उन्होंने इस जंग को जीतने के लिए और अपनी परसेप्शन बनाने के लिए और पाकिस्तान को खराब करने के लिए उन्होंने ये किया कि पूरी दुनिया को मतवज्जे करने के लिए अंग्रेजी चैनल्स बनाए, मुख्तलिफ जबानों के अंदर वो टीवी चैनल्स लेकर आए। उनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है इंडिया में, लेकिन उनका मकसद बहुत बड़ा है, हमने उस मकसद को नहीं पहचाना। दूसरा, उन्होंने अपनी एक पूरी नस्ल तैयार की है जो पूरी दुनिया में जाके लोगों को प्रोपेगेंडा करती है,
اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف اور اپنے حق میں. ٹھیک. اور کرتے کرتے وہ اس ٹول کو استعمال کرنے کے اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ وہ ہاری ہوئی لڑائی کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے وہ جیت گئے ہیں. ہم اس میں بدستور کمزور ہیں. ہمارے یعنی آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی قابلیت پہ شک نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے ہیں. وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ چپتی ہے جا کے انڈینز کو, اور وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, اور انڈین ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارا ایس پی آر بہت جو ہے نا بڑا قابل, بڑا قابل, قابل قابل تو ہے لیکن اس کی ایکسس کہاں تک ہے, اس کی پہنچ کہاں تک ہے, وہ پینیٹریٹ کہاں تک کرتا ہے. اگر وہ ہیمر کر رہا ہے تو اس کی دھمک کہاں تک جاتی ہے, وہ دور تک نہیں جاتی. انڈیا اگر بونگی بھی مارتا ہے تو اس کی بونگی کی دھمک جو ہے یا اس کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک دفعہ چکر لگا کے دنیا کا واپس. کیا یہ اسٹریٹجک ان کے پاس ٹول زیادہ ہیں یا ان کے پاس اس چیز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے؟ اسپینڈ دیئر ٹائم سر, انہوں نے اپنا ٹائم وہاں خرچ کیا, انہوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, نہ صرف پیسے کی انویسٹمنٹ کی ہے اپنی مین پاور کی انویسٹمنٹ کی ہے. ان کے لوگ پوری دنیا میں جہاں جا کر کام کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے پاکستان کا کون سا ایسا ادارہ ہے یا پاکستان کی کون سی ایسی حکومت ہے جس نے باہر جا کر کامیاب پاکستانیوں کو اکٹھے کر کے کہا ہو کہ جناب یہ ہے پاکستان, یہ ہے موٹو, اور یہ ہے ہمارا دشمن, اور یہ ہے ہمارا ایجنڈا, اس کے اوپر ہمیں مل کر کام کرنا. نہیں, ہم انفارچونیٹلی دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. باہر بیٹھا ہوا پاکستانی جب کسی گورے سے یا کسی اور سے بات کر رہا ہوتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان کو ہی گالی دے رہا ہوتا ہے. ٹرینڈ ہے نا, میرے ملک کے اندر تو کھانا ہی کھا رہے, حکمران لوٹ کے کھا گئے, کرپشن بے شمار ہے, وہاں تو انسان کو انسان نہیں سمجھتے. جب آپ یہ باتیں باہر جا کے بیچیں گے, اور آپ کا آدمی عام آدمی سادہ آدمی ہے وہ باہر جا کے بیچ رہا ہے, کم سے کم آپ کو دنیا کو یہ بتانا ہے, کم سے کم دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ہم بہتر کتنے ہیں, ہم کتنے پازیٹو لوگ ہیں, اور انڈیا کیا کر رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم نہیں بتا. اچھا عمران بھائی, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ میں نے اپنے انٹرو میں ایک ویڈیو دکھائی, وہ ویڈیو تھی مشن بلوچستان کے نام سے, بھارتی میڈیا چینل کا ایک پروپیگنڈا تھا. اس میں ٹاپ 5 پرسنالٹیز دکھائی گئی ہیں کہ وہ کس انداز سے پاکستان کے خلاف یعنی بلوچستان کے خلاف ایک ڈاکومنٹ تیار کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے کس انداز سے را کے ایلیمنٹس یہاں پر سرگرم ہیں. اور سب سے ٹاپ پرسنالٹی جو انہوں نے بتائی ہے, دیٹ از نریندر مودی صاحب. بات ففتھ جنریشن وارفیئر کی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ آلٹرنیٹو ٹروتھ کی ہو رہی ہے. سینئر اینکر پرسن عمران خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے معروف دفاعی تجزیہ کار جناب زید حامد. زید حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت, شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بریک کے بعد آپ سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. بات ہم ففتھ جنریشن وارفیئر کی کر رہے ہیں, آلٹرنیٹو ٹروتھ کی کر رہے ہیں, اور بھارت کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی کر رہے ہیں. گزشتہ 5 سے 6 ہفتے کے دوران بلوچستان میں خاص طور پر دیکھنے کو آیا ہے, آپ بھی ظاہر ہے کہ نیوز پڑھتے رہتے ہیں, نجی 5-star ہوٹل میں اٹیک ہوا, اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر بم بلاسٹ ہوئے, اکا دکا چھوٹے موٹے واقعات بھی ہوئے, اور بات اتنی سی ہے کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہر ممکن بھارت کوشش کر رہا ہے. واٹس یور ٹیک آن دس سر؟ دیکھیے جمیل, یہ بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں جی کہ پاکستان ففتھ جنریشن وار کو ہار رہا ہے. Why I am saying this is, اس بات کے باوجود کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو بہت نقصان پہنچایا, ہم کو افغانستان دھکیلا, بی ایل اے کو ہم نے بہت حد تک کنٹین کر لیا تھا, لیکن یہ جنگ ہمارے خلاف پچھلے 19 سال سے جاری ہے اور ابھی تک اس کی کوئی ٹرمینیشن نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنگ 1 سال میں 2 سال میں 10 سال میں کب ختم ہوگی. جی ہم صرف ایک ریئیکٹو جنگ لڑ رہے ہیں. ہم دشمن ہم پر اپنی مرضی سے, دشمن چوز کرتا ہے ٹارگٹ, دشمن چوز کرتا ہے مقام وقت, اور ہم پر حملہ کرتا ہے اور ہم صرف دفاع کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 100 حملے کرتا ہے, ہم 20-25 حملے روک لیتے ہیں, باقی تمام گزر جاتے ہیں, کیجولٹیز ہوتی ہیں, نقصانات اٹھاتے ہیں. ایک پرپیچول سائیکل ہے جو پچھلے 19 سال سے چل رہا ہے. اس کے باوجود پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی یا نیشنل یا ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ابھی تک ڈیفینسو ریئیکٹو ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پرپیچولی دشمن کو ایڈوانٹیج ہے, وہ اپنی مرضی سے جگہ چوز کرتا ہے, حملے کرتا ہے, اور ہم صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سر اٹیکنگ ریئیکٹو کیسے ہو سکتی ہے زید صاحب؟ دیکھیے یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اتنے عرصے کے بعد وی شوڈ ریئلائز دس کہ کینسر افغانستان میں بیس کرتا ہے, اور ابھی تک پاکستان گورنمنٹ نے امریکن سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ آپ افغانستان سے دفاع ہو جائیے نکل کر. جو پرابلم ہمیں آ رہی ہے 9/11 کے بعد, وہ امریکن آکوپیشن آف افغانستان کی وجہ سے.
हमने एज्यूम कर लिया है कि अमेरिकन कयामत तक अफगानिस्तान में रहेंगे और उनकी मर्जी है, अमेरिकन फैसला करेंगे कि कब निकलना है, और हम सिर्फ अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो करेंगे जो उनकी वजह से 1,00,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, 120 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और रोज हम पर हफ्ते में 2-3 हमले हो रहे हैं। हमने इसको फेट कंप्लाई अपनी तकदीर समझकर कबूल कर लिया। हालांकि होना यह चाहिए था कि हम खुलकर अफगानिस्तान के अंदर जाते, अपने एसेट्स क्रिएट करते, अफगान तालिबान को रिकग्नाइज करते, उनको डिप्लॉय करते, उन तमाम अफगानिस्तान अपने बॉर्डर के पास एक बफर जोन क्रिएट करते जैसे टर्की ने सीरिया और इराक में किया है। और अब दाइश क्रिएट कर दी है, आईसिस क्रिएट कर दी है अमेरिकन और सीआईए ने, और दाइश ने कल परसों ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि हमने पाकिस्तान को अपना प्रोविंस बना लिया है, हमारी खिलाफत जो दुनिया में फैली हुई है अब हम पाकिस्तान पर भी हमले करेंगे ऑफिशियली, और अबू बकर बगदादी को वो अफगानिस्तान ले आए, अबू बकर बगदादी को वो अफगानिस्तान ले आए। तो क्या हल क्या है इसका, ज़ियाद साहब, हल क्या है इसका? मैं आपको यही हल बता रहा हूँ साथ साथ जी। हल ये है कि आप डिमांड करें अमेरिकन से कि आप टाइमलाइन दें हमें अफगानिस्तान से निकलने की, और अफगान तालिबान को ऑफिशियली रिकग्नाइज करें। अफगान तालिबान कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के लिए पूरी तरह बॉर्डर सिक्योर कर देंगे लेकिन आप हमें इज्जत दें, वो कुछ मांगते हैं ना जवाब। तो टाइम फ्रेम तो ज़ैद साहब अक्सर अमेरिका की जानिब से दिया जाता है, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी अक्सर मौके पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभी 8 माह में हम जाने वाले हैं, 10 माह में जाने वाले हैं, तो ये क्या है, ढकोसला है? टाइम फ्रेम की बात तो पिछले 10 साल से हो रही है कि हम निकलने वाले, लेकिन वो कभी नहीं निकलने वाले। अभी अमेरिकन पॉलिसी एडवाइजर्स ने, अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान से निकले तो अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, अफगान तालिबान कब्जा कर लेंगे। अफगान तालिबान कब्जा करते हैं, करें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कौन से अमेरिकन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए वो यहां बैठे हुए हैं? और सबसे बड़ा उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना। पाकिस्तान के एटमी हथियार इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ईरान खतरा नहीं है उनके लिए, ईरान की नाव से सरहदें में पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स ही हैं जो सबसे बड़ा खतरा है। ईरान एक न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, ईरान इसराइल से 2000 मील दूर बैठा हुआ है, ईरान के पास वो फोर्सेज ही नहीं है जो इसराइल पर हमला कर सके। ठीक है, तो ईरान कैसे खतरा है? ज़ैद साहब साथ रहिएगा। इमरान भाई ये फरमाएं कि इतना इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अगर सफ बंदियों की बात की जाए, अमेरिका इन ए सेंस है, नहीं है, अपेरेंटली है, या सिर्फ दिखावे की बात करता है? इंडिया, अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान एक सफ में है, पाकिस्तान, रशिया, चाइना किसी हद तक एक सफ में है। तो अगर अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकलता है तो अफगान गवर्नमेंट किस अंदाज से उनका साथ देती है और अफगान तालिबान किस अंदाज से रिटेलिएट करते हैं, उसका असर बलूचिस्तान में कैसे हो सकता है? देखिए, एक तो जो ज़ैद अहमद साहब भी बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है, डिमांड बड़ी जायज है कि पाकिस्तान पूछे अमेरिका से कि जनाब आप यहां से वापस कब जा रहे हैं और कोई टाइम फ्रेम उनसे मांगा जाए। ठीक, हमने अनफॉर्चुनेटली ये बहुत पहले पूछा जाना चाहिए था। ये अमेरिका के साथ हम बात नहीं कर पाए, डील नहीं कर पाए, उस वक्त भी जब हमारी पोजीशन बहुत बेहतर थी। ठीक, इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से देख लें आप या बाकी मामलात के लिहाज से देख लें तो पाकिस्तान डिप खाया हुआ है, हम लोग डाउन है, हमारी पोजीशन अभी इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम एग्जिस्ट करते हैं, हम एटॉमिक पावर हैं और हमारी एग्जिस्टेंस को दुनिया मानती भी है। ठीक, और हमारी एक जुग्राफियाई अहमियत भी है जी। हम कमजोर होने के बावजूद इतने गए गुजरे नहीं है कि आज भी अपनी बात ना कर सकें, लेकिन बात यह है कि अब अकेले बात नहीं कर सकते। फिफ्थ जनरेशन वॉर, जिसमें अभी कहा ज़ैद अहमद साहब ने कि हम हार चुके हैं, वो हम लगातार हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, और ये वक्त है उसी में अपने आप को स्ट्रेंथन करने का, दुनिया को ये बताने का। लड़ाइयां गोलों से तो नहीं होनी, अफगानिस्तान में लड़ाई का जितना नुकसान दुनिया में किसी को नहीं हुआ, जितना नुकसान उस लड़ाई का पाकिस्तान को हुआ है, और पाकिस्तान आज भी उस लड़ाई का भुगत रहा है कि गैर मुल्की वहां पे आए, उन्होंने आगे वहां के लोकल्स को तंग किया, हालात ऐसे पैदा कर दिए कि पाकिस्तान बराह रास्त उससे मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान को अब अपनी ग्रुपिंग शुरू करनी है, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के ममालिक को साथ शामिल करे, उनके साथ गप लगाए, पाकिस्तान चीन को साथ शामिल करे, उनको समझाए खित्ते के मफाद में क्या है, पाकिस्तान रशिया के साथ बात करे, उनको समझाए मफाद में क्या है, पाकिस्तान मिडल ईस्ट में लोगों को जाके मुल्कों को समझाए कि जनाब ये आग फैलती गई तो ये आग और बढ़ जाएगी, जो लोग महफूज रह गए हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगे, और ईरान को भी अब कायल करने की जरूरत है कि इस आग से खेलने की कोशिश ना करो, जो भी इसमें गया या जिसने अमेरिका की इस तरह की दोस्ती देखी वो बाद में उस आग में जला है। लिहाजा ये मौका है कि आप ग्रुप बंदी करें, आप लोगों को इस बात पे कायल करें कि अमेरिका के जो स्टेक्स हैं,
हाँ जी, या अमेरिका के जो मफादात हैं वो उस बड़े आजम में है जिसको अमेरिका कहते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। यहां नहीं है इमरान साहब, जहां हमारे मफाद हैं और हम सबको मुश्तरका तौर पे उनको देखना, उनको देखना होगा। इमरान साहब और जैद हामिद साहब, अब जिस अंदाज से इमरान साहब कह रहे हैं कि हमें अब सफबंदी करनी होगी, हमें डिसाइड करना होगा कि हम किस तरफ हैं, और हमें ब्लैक एंड व्हाइट देखना होगा, ग्रे नहीं देखना होगा, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट क्या है हमारा। लेकिन इंडिया की इन सब चीजों के ऊपर नजर है। इंडिया के ही एक चैनल पर एक रिपोर्ट चली थी कि किस अंदाज से वो पाकिस्तान और रशिया के दरमियान होने वाले कोलैबोरेशंस को या चीन के साथ बढ़ने वाले ताल्लुकात को वहां पर देख रहे हैं, यानी मुंबई में बैठकर देख रहे हैं। वो जरा देख लीजिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के लिए खतरा क्यों है ये भी बताएंगे आपको, पर उससे पहले इस कॉरिडोर पर रूस का नया नजरिया क्या है वो जान लीजिए। पाकिस्तान में रूस के एम्बेसडर एलेक्सी वाई डेडो का कहना है कि रूस इस कॉरिडोर मजबूती से समर्थन करता है, क्योंकि ये न सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है बल्कि इससे रीजनल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी जिस पाकिस्तान को भारत आतंकवाद के मसले पर दुनिया में अलग थलग करने की कोशिशों में जुटा है, रूस ने उसी पाकिस्तान को अपना समर्थन देकर भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। रेडियो में एक इंटरव्यू का जिक्र किया गया है जो कि रशियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान मैडोव ने दिया है। इसमें जो बातें कही गई हैं, अगर उन बातों का हम कुछ मतलब रखते हैं या उनको हम ध्यान में लेते हैं तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। यहां ये भी जान लीजिए कि इससे पहले रूस लगातार यही कहता रहा था कि उसे चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोई दिलचस्पी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब भारत के खिलाफ हो रही साजिश में रूस, चीन और पाकिस्तान का मोहरा बन गया है। आखिर चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर कितना इंपॉर्टेंट है, भारत की इस पर कैसे नजरें हैं, और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को टूल्स के इस्तेमाल करते हुए किस अंदाज से बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी की जा रही है, चाइना यानी बीजिंग को पाकिस्तान से कैसे खफा करना है, तमाम तर कार्रवाई भारत कर रहा है और गुज़िश्ता 5-6 हफ्ते से इसकी एक्टिविटी में मजीद इजाफा हुआ है। जैद हामिद साहब, यह फरमाइएगा कि सी पैक एक्चुअली है क्या, ये वाकई कोई मुआशी प्रोजेक्ट है या जोग्राफियाई लिहाज के किसी खास खित्ते के ऊपर बालादस्ती कायम करने का एक तरीका है? देखिए, सीपैक की जहां तक ताल्लुक है, दुनिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक कानून है, यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व, आपको वो नहीं मिलता जो आपका हक है, आपको वो मिलता है जो आप निगोशिएट करते, आप जो निगोशिएट करेंगे वो आपको मिलेगा सीपैक। चाइना सीपैक तो सिर्फ एक छोटी सी शाख है उस बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जो चाइना पूरी दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है, ओबोर के नाम से, वन बेल्ट वन रोड के नाम से, या इसके जो ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसका, जो पूरी दुनिया में सड़कों का और पुलों का और ट्रेन के नेटवर्क का जाल बिछा रहा है चीन अपनी तिजारत को, जो इसका $3.2 trillion साल की एक्सपोर्ट है उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों खासतौर पर अमेरिका से जो माशी तौर पर वो एक जंग कर रहा है उसका एक हिस्सा है सीपैक। अब पाकिस्तान अगर इसमें निगोशिएट ठीक नहीं करेगा चाइना से, अगर हम गुलामाना एक मजलूमाना और दब के निगोशिएट करेंगे और शरायत सारी चीन की होंगी, तो सही बात है कि पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक गुलाम बन जाएगा। अगर क्योंकि जमीन हमारी इस्तेमाल हो रही है और चाइना को जरूरत है हमारी, क्योंकि जो चाइना के पास एक्सपोर्ट है समुद्र के रास्ते वो सारी की सारी अमेरिका ब्लॉक कर सकता है किसी भी वक्त जी। तो जो पहला रास्ता जमीनी रास्ता चीन को मिलता है $3.2 trillion से की तकरीबन एक्सपोर्ट से वो 30% यानी $1 trillion एक्सपोर्ट वो सीपैक के रास्ते करना चाहते हैं कि गवादर से एक्सपोर्ट करें मिडिल ईस्ट की मार्केट्स में जहां से अमेरिका इसको नहीं रोक सकता। अब अगर हम सिर्फ अपनी पूरे पाकिस्तान को सिर्फ कर्जे $11-12-20 अरब के चक्कर में हम जमीन पर लेट जाए और सब कुछ चाइना को दे दें तो सही वही बात होगी जो कोर कमांडर बलूचिस्तान ने कहा था कि हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने होटलों पे खाना खिलाएंगे और ये पूरा रीजन चाइना टेक ओवर कर लेगा, ये कोर कमांडर के अल्फाज। तो हमने अगर चाइना से इस तरह निगोशिएट किया कि जी तुम हमारी जमीन इस्तेमाल करोगे लेकिन टेक्नोलॉजी तुम हमें दोगे, हमारी जमीन होगी तुम हमें टैरिफ पे करोगे, तुम्हारी फौज यहां नहीं होगी, हम मैनेज करेंगे सारी सिक्योरिटी और सारे इलाके को। लेकिन हामिद साहब ये तो रिव्यू करने से होता है ना, आप जिस तरह महातीर मोहम्मद ने बीजिंग में जाकर अपने अंदर यानी मलेशिया के अंदर जिस तरह से चाइना के प्रोजेक्ट्स थे उनको रिव्यू करने के लिए बाकायदा कहा था कि ये टर्म्स देखी जाए कि कितना फेयर होगा, तो पाकिस्तान भी रिव्यू कर सकता है।
यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि हम रिव्यू नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान ने एक तो इंडिपेंडेंट सीपैक अथॉरिटी नहीं बनाई, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक सीपैक अथॉरिटी की जरूरत थी, और दूसरी बात कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन सीक्रेट हैं, किसी को नहीं मालूम कि किन शराइत पर कितने चाइनीज पाकिस्तान में आकर कहां सेटल किए जाएंगे। अब ये एक तो अमेरिका है, ये फैक्ट है कि अमेरिका रोकना चाह रहा है सीपैक को, लेकिन दूसरी जाने सिर्फ इसलिए कि अमेरिका सीपैक को रोकना चाह रहा है या इंडिया सीपैक को रोकना चाह रहा है, उसकी वजह से हम जबरदस्ती सीपैक की वो शराइत कबूल नहीं कर सकते जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे आने वाली नस्लों में। राइट, बिल्कुल ठीक है, जाहिर साहब साथ रहिएगा। इमरान साहब, हम वो कड़ी शरायत नहीं मान सकते, वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन जो कुछ आ रहा है उसके ऊपर भी भारत की ऐसी नजरें हैं और अमेरिका की बिलवास्ता तौर पर ऐसी नजरें हैं, तो हमें एटलीस्ट इसको रिटेन तो करना है। इमरान साहब, भारत पाकिस्तान का फायदा नहीं देख सकता और अमेरिका चीन का फायदा नहीं देख सकता। यस, दैट्स व्हाट आई मीन। भारत का प्रॉब्लम जो है वो उनके दिमाग में है, अमेरिका का प्रॉब्लम जो है वो उनकी मईशत में है। वो ये सोचते हैं कि अगर चाइना यूं करके आगे बढ़ता है और दुनिया की मईशत पे कब्जा करता है तो अमेरिका कहीं पीछे चला जाएगा और फिर चाइना उसकी जगह लेगा दुनिया में आकर, फिर अमेरिका की हां में हां नहीं होगी दुनिया की, फिर चाइना की हां में हां होगी। तो इंडिया का मसला ये है कि इंडिया को लगता है कि ये पाकिस्तान एक दिन वापस आ जाएगा। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में, जो ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये कुछ अरसे के लिए अलग हुआ और ये नहीं चल पाएगा और ये वापस आएगा, और उनके अंदर ये बात वो करते भी हैं, वो पाकिस्तान को आज भी तस्लीम ही नहीं करते दिल से। तो दोनों का मसला अलग अलग है, लेकिन हमारा मसला सी पैक को लेकर देखें, चाइना आपसे मांगता क्या है जी? जो चीजें वो आपसे मांग रहा है ये कोई भी नहीं दे सकता। अभी खान साहब ने पिछले दिनों अनाउंस किया और मुझे डर है कि कहीं ये हो ना जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये दे रहे थे और खान साहब ने भी इसको एक डिफरेंट तरीके से अनाउंस किया। ये जरई जमीने जो है, जो एग्रीकल्चर लैंड, जो सी पैक के रोड के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये चाइना मांग रहा है जी। अगर ये जमीनें आप उनको दे देंगे तो आपके जिम्मेदार कहां जाएंगे? वो आपके मुकाबले में यहां पे आके काश्तकारी करेंगे। आपके पास टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं है, आपने अपने जिम्मेदार को हमेशा जूते के नीचे रखा है और उसको इस काबिल नहीं होने दिया टेक्नोलॉजी में या किसी भी चीज में, ना उसके पास अच्छे बीज है, ना अच्छी खाद है, ना अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना अच्छी मशीनरी है, आपने उसको इस काबिल बनने ही नहीं दिया कि वो दुनिया के साथ मुकाबला कर सके। अब चाइना से बड़े बड़े लोग जदीद तरीन ज़राअत लेके यहाँ पे आएंगे तो आपका जिम्मेदार तो आप समझे। इमरान साहब, हर मौके पर विन विन सिचुएशन तो नहीं होती है ना, एक प्रोजेक्ट है ये उसके ऊपर अगर भारत की इतनी नजर है ना, आपने चाइना को सड़क देनी है ना, रास्ता देना है, आप उनको रास्ता दीजिए और उनसे तय कीजिए ये रास्ता हम आपको इन शराइत पे दे रहे हैं, ये रास्ता आप लीजिए, आप इसको बिल्ड कीजिए, हमें इसके बदले ये चीज चाहिए, जैसे ज़ायद अहमद साहब कह रहे थे। अब अगर हम अपनी ज़रई ज़मीनें उनको दे देंगे, वो हमसे मांग क्या रहे हैं? हमारी जरई जमीनें मांग रहे हैं, वो हमसे मांग क्या रहे हैं? हमारे मादनी जखायर मांग रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वो हमसे मांग क्या रहे हैं? वो सी पैक की और गवादर की सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि ये आप हमें दे, हमारी फोर्सेज आएंगी, वो आगे यहां पे काम करेगी। वो मांग क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हम अपने लोग लेकर आएंगे, उनको यहां पे नौकरियां देंगे, अपने लोगों को यहां पे खपाएंगे ताकि उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है थोड़ी बहुत जो रह गई है वो भी यहां पे वो कवर कर लेंगे आगे। और वो बंदे कौन लेकर आते हैं पता? वो अपनी जेलों से बंदे ला के यहां पे काम कराते हैं, क्रिमिनल टाइप के चाइनीज ने, जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान में जो रवैया कर रहे हैं ना, ये वही कर रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। याद रखें कि अभी थोड़े दिन पहले एक वार्डन ने रोका चाइनीज को और उसे पूछ रहा है कि सर अपना कोई पेपर जी वो कार्ड वार्ड दिखाया, बात नहीं कर रहा, वीडियो देखी थी, उसके अंदर अकड़ इतनी ज्यादा है, वो किसी की बात नहीं सुनते। मेरे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे और चाइनीज बच्चे थे वहां पे, वो एक मिनट में मेरे बच्चों के गले पड़ गए और मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया अगर ये ज्यादा होते तो मारते हमें आज यहाँ पे। राइट, मामला ये है कि वो यहाँ पे उनको ये इस दिमाग के साथ वो आ रहे हैं कि ये हमारे जर खरीद गुलाम है पाकिस्तानी, हमने जाना है क्योंकि हमने इनको पैसे दिए हुए हैं, हम इन पे रूल करने का इख्तियार रखते हैं। जैद हामिद साहब, मामला चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हो या उस जैसा हो, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में एक रोड के हवाले से ही हो रही है, एक राहदारी देने के हवाले से ही हो रही है, तो एटलीस्ट इसका खैर मकदम तो करना चाहिए। अब जिस तरह के वाकयात बच्चियों की शादियों के और उनको चाइना ले जाकर उसके बाद उनको जिंसी तौर पर इस्तेमाल करने के सामने आए हैं और पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से उनको हाईलाइट किया है, अगर इस तरह के वाकयात इंडिया में चाइना जाके करता या उनका कोई अलाई करता तो इंडियन मीडिया इस तरह हाईलाइट कर रहा होता? हामिद साहब, देखिए जमील, बात यह है कि एस्टिमेट यह है कि 1 करोड़ चाइनीज पाकिस्तान में आकर सेटल होंगे सीपैक रूट के ऊपर अगले 5-6 साल 10 साल के अंदर जी। 1 करोड़ चाइनीज, क्या उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे पे, कंजर्वेटिव माशरे पे इसके असरात क्या पड़ेंगे? बहुत बुरे। ये बात तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोस। कुत्ते खाएंगे, बिलियां खाएंगे, सुअर खाएंगे,
फिर वो आपका जो जो आपकी वाइल्ड लाइफ है वो तबाह कर देंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। तफरी का है ना जी। तो आपको यही बात कि इलामा इकबाल ने जो बात कही थी, इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बात ये कि हम अपनी जान माल इज्जत आबरू अपनी अपने ऑनर अपनी गैरत अपनी तहजीब तो नहीं फरोख्त कर रहे 10 अरब 15 अरब डॉलर के लिए, इसलिए कि चिनिया अपनी सामान ले जाके बेच सके गवादर के जरिए। हमको अपनी शरायत अपनी मर्जी की तय करनी और सिंपल रूट दें, हमको जैसे कहा कि सिंपल सीधा सीधा रूट दें कि आप अपने ट्रक लेके यहां से यहां चले जाए, फैक्ट्रीज जो आप लगाएंगे यहां पर वो पाकिस्तानी टेक्निकल टीम होंगी, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और हमारी बाकी इसके अलावा इनको स्टॉक एक्सचेंजेस और ज़राअत और एग्रीकल्चर और हमारी पावर यूटिलिटीज और हमारी पावर जनरेशन हमारी एजुकेशन ये सब इनके हवाले करने की जरूरत नहीं। और इसके लिए जाहिर है चूंकि शरायत खतरनाक है जब भी खुफिया रखी गई है, वरना पब्लिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है पब्लिक क्यों नहीं करते आप, और सीपैक अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते। सीपैक अथॉरिटी का मतलब है कि उसके अंदर आर्म फोर्सेज के आईएसआई के कोस्ट गार्ड के हाईवे अथॉरिटी के पोर्ट कराची पोर्ट पाकिस्तानी पोर्ट्स के सब इदारों के नुमाइंदे हों ताकि वो मिलकर एक नेशनल प्लान बनाकर चाइना से नेगोशिएट करें। अभी खुफिया तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर पिछली हुकूमत का या इस हुकूमत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो डील कर रही है ये फिर शक पैदा करती है और जो चीजें सामने आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि परेशान कौन है। इमरान भाई क्या रहा है फाइनल कमेंट, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हार रहे हैं खुदा ना खास्ता, हल क्या है इसका क्विकली प्लीज 30 सेकंड्स। सर हल इसका यह है कि हमें आज भी इस बात का इदराक करना होगा कि दुनिया अंग्रेजी जबान को समझती है और हमें यहां पे उसको प्रमोट करना पड़ेगा, उनकी जबान में इंडिया को जवाब देना पड़ेगा जो दुनिया को समझ आए, नंबर एक। और नंबर दो फाइनली ये है कि जो दुनिया भर में पाकिस्तानी है उनको अहमियत दें और उनको बताएं कि हमें उनकी कितनी जरूरत है और उनको क्या करना है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार इमरान खान साहब आप स्टूडियोज में आए, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब जैद हामिद साहब आपने वक्त निकाला टेलीफोन पर हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खौतिन आजाद आज के टेबल टॉक से फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के साथ हमारे साथ रहिएगा।